रात का वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और दिन की तस्वीर वो मांगी गई है हमसे कि दिन की तस्वीर दिखाइए पटना शहर की। तो हम उसी क्रम में अभी 11:30 हुए हैं और मैं ये सफ़र शुरू करता हूं और उसी रास्ते पर चलूंगा जहां कल रात में गया था और कुछ नए रास्ते भी होंगे। चलिए दिखाते हैं दिन में अपना पटना कैसा दिखता है। ये पटना जंक्शन का पास जो फ्लाईओवर है वो है केवल स्टेट फ्लाईओवर और सामने हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं और ये पटना जंक्शन की तस्वीर है जहां पर दुकानें किस प्रकार से सजी हुई है और किस प्रकार रोड पर उन्होंने दुकान के जाल को फैला रखा है वो आप देख सकते हैं और कितना जो चौड़ी सड़क है कितनी छोटी हो गई है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए ये तो ये पटना जंक्शन की बात, अब यहाँ से अपना सफ़र तय करते हैं। बीच बीच में आपको कई प्रोजेक्ट दिखेंगे जो जिसका निर्माण चल रहा है पटना में उसकी तस्वीर भी आपको दिखेगी। चलिए चलते हैं, ये सफ़र शुरू करते हैं। चिनेटा पुल का जो न्यू एक्सटेंशन बना तो इसके बन जाने से नीचे से पहले पटना जंक्शन क्रॉस होते हुए नीचे से लोग जाते थे और काफ़ी जाम की समस्या रहती थी, लेकिन अब लोग ऊपर से चले जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि नीचे की स्थिति ऐसी है कि नीचे जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से हर जगह पे अपना जाल बिछाए हुए हैं और इस क्रॉसमेंट का हाल बहुत बुरा है। और जो आप जब रात में आपको तस्वीर जब हम दिखाएंगे पटना जंक्शन के पास की तो वो तस्वीर और अभी की तस्वीर देख करके आप दंग रह जाएंगे कि जितनी चौड़ाई है सड़क की वो क्रॉसमेंट की वजह से काफ़ी संकीर्ण हो जाती है और इसकी वजह से नीचे से जो डाकबंगला चौराहा की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और लोग जो पैदल राहगीर हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। ये जीपीओ फ्लाईओवर का गोलंबर आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा सर्किल ऊपर में बनाया गया है और इससे भी बड़ा सर्किल मुझे लग रहा है कि आर ब्लॉक के जंक्शन के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा उसका भी काम तेज चल रहा है और समय समय पर देते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। रात में मैंने पटना में जो सर्दी की स्थिति है और जो सड़कों की स्थिति है जो बिजली की स्थिति है वो दिखाने की कोशिश की थी, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था मैंने। सामने भीमर सिंह पार्क के बगल में ये फ्लाईओवर जो आर ब्लॉक के जंक्शन को ये करेगा क्रॉस करते हुए दरअसल नीचे की तरफ निकलेगा। इसके पियर स्टेंसिल का काम चल रहा है, पियर को जो मापदंड था उसके अनुकूल पियर नहीं बना तो उसे बनाया जा रहा है, फिर से उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। अब ये कितना मजबूत होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं तो कुछ तो इससे फायदा होगा ही, तभी बनाया जा रहा है इसको। हार्डिंग पार्क जहाँ अभी कभी बस स्टैंड हुआ करता था और जो बसें जो अभी मीठापुर बस स्टैंड है वो यहीं पर आकर के वो सारी बसें यहाँ पे रुकती थी और यहाँ से लोग पटना जंक्शन पैदल भी चले जाते थे, काफ़ी नज़दीक पड़ता था। लेकिन अब मीठापुर बस स्टैंड बन जाने से अब लोगों को पैदल ही ऑटो से आना पड़ता है और 5 से 10 रुपया किराया लगता है, अगर उस पर आते हैं तो ज़्यादा किराया लगता है। अब बस स्टैंड पहाड़ी के पास जा रहा है, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, कई अपडेट मैंने उसका दिया है तो वहाँ से भी लोगों को आने में काफ़ी परेशानी होता है, मेट्रो की सुविधा हो जाएगी तो परेशानी कम होगी। ये आर ब्लॉक कोलंबर और आर ब्लॉक के पास जो फ्लाई ओवर बन रहा है
ये इन्होंने अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया है, बस साइड बैरियर कंक्रीट करना बाकी है और इधर की शाखा नहीं मिली है, बाकी दोनों साइड की शाखा और ये ट्रैफिक काफ़ी रहता है यहाँ पर, जैसे जैसे निर्माण हो रहा है ट्रैफिक बढ़ रहा है। रफ्तार पकड़ा है, यही प्रोजेक्ट चल रहा है इधर में, जब भी जहाँ जा रहा हूँ काम ने रफ्तार पकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम पास काफ़ी कमेंट आया कि लोग सिस्टमेटिक की गाड़ी नहीं चलाते हैं यहाँ पे, इतनी थोड़ी सड़क का फायदा क्या होगा। बिल्कुल सही है आप लोग वाकई में, अगर सिस्टम से गाड़ी चले तो रोड पर जाम की समस्या हो ही ना, और इतनी जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए, ट्रैफिक का संतुलन सही करने के लिए वो ना हो। ये हम पटना न्यू कलम के पास यहाँ पे इसका रैंक जो है आठ ब्लॉक के का जो फ्लाईओवर है उसका रैंक यहीं से उठेगा और यहीं पे गिरेगा। ये है हुआ है और रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, नालों को ढक दिया गया है और अच्छा लगता है इसकी भी चौड़ाई अगर देखा जाए तो सिक्स लेन है, दो सर्विस रूट को मिला करके सिक्स लेन रूट की चौड़ाई है। और इधर में बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े घिरा हुआ है, सामने देख रहे हैं। दाहिनी तरफ डाकबंगला चौराहा की तरफ चले जाएंगे, गांधी मैदान की तरफ चले जाएंगे और इधर बाई तरफ हम जा रहे हैं। रात में उस साइड से आते हुए मैंने अपडेट दिया था, देख सकते हैं यहाँ फलों का बात।
मज़ेदार रात में आपको दिखा होगा, दिन में दिखा दे रहे सामने बहुत ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, इसका भी निर्माण हाल ही में हुआ है, नियोजन भवन। और इधर बिल्डिंग की बात कल मैंने रात में कुछ बिल्डिंग दिखा दे रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग की गई है। जो मानक होते हैं फाइव स्टार रेटिंग के, उस सारे मानकों को 100% इसने फुलफिल किया है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही कृषि के क्षेत्र में अवार्ड मिला है बिहार को, और अभी फाइव स्टार रेटिंग को मिला है बिहार को मिला है। यहाँ पे कमेंट आया था कि 5 लेन 8 लेन है और 1 लेन ये है। मैं बता दूं कि यहाँ पे 10 5 लेन इस तरह, 5 लेन उधर है, ये और जो चपाटी करने के लिए वो अलग है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे 10 लेन का वो और यू टर्न, इसकी वजह से जो ट्रैफिक था वहाँ पे चौराहा पे बनी जो होती है तरफ जाने के लिए, वाले के पास वहाँ
काफ़ी हद तक समस्या जो है ट्रैफिक की यहाँ पे खत्म हो, लेकिन आप कम से कम मिल था और मैं दिखा भी रहा हूँ लेन ड्राइविंग का मतलब नहीं समझता। यहाँ पे मैं यूटर्न करूँगा, सामने लोहिया पर चक्र का निर्माण चल रहा है, एक रैंप कंप्लीट हो गया है, फ्लाई ओवर कम्प्लीट हो गया है, अब उसके की तैयारी है। ये हम आ गए इधर, लोग अभी भी नहीं चलते हैं मास्क की वजह से। नियम तो बहुत है लेकिन एक ही नियम काम करता है और वो है आगे जाना है, इधर से रास्ता मिले उधर से निकल लो, नो लेन ड्राइविंग, नो ये आर ब्लॉक दिया थे रोड का फ्लाई ओवर का निर्माण किया है। यहाँ पे भी वेंडर जोन का स्मार्ट सिटी के तहत वेंडर जोन का निर्माण हो रहा है, इस साल की इधर जो पार्किंग देख रहे हैं उससे वेंडर जोन का निर्माण चल रहा है और ये घिरा हुआ है, यहाँ पे वेंडर जोन का निर्माण हो रहा है और इधर मेट्रो का ऑफिस बन रहा है। ये बिल्डिंग अच्छा लगता है, बीच में पेड़ रोड साइड रोड पार्किंग की जगह भी बन जाती है। ये सत्ता तक नारायण सिंह
पार्क है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट के द्वारा अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट का, तो इंस्टाग्राम नमस्कार, जय भारत।